हेलो स्टूडेंट्स, आरआरसी ग्रुप डी ने एक नया नोटिस जारी किया है, एक नया अमेंडमेंट और कोरिगंडम जारी किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है और ये वीडियो आप सभी उन बच्चों के साथ में शेयर करिएगा जो आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है और बहुत ही छोटा सा नोटिस है, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नया अमेंडमेंट और कोरिगंडम आया है जिसमें सिर्फ दो पॉइंट्स हैं। मैं आपको सीधे सीधे पॉइंट्स बताता हूं, बहुत सारी दुनिया की चीज़ों को बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में ऑलरेडी मालूम है क्योंकि बहुत पहले से ही इसका डिस्कशन चल रहा है, बट ये जो ऑफिशियल नोटिस है आपका जो आरआरसी ग्रुप डी का, उसमें अब जाके इसको ऐड किया गया है। रेलवे वगैरह ने इसको पहले से अनाउंस कर रखा था, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी मालूम था, बहुत सारे मेरे पास कॉल्स पहले भी आ चुके हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी गाइड कर रखा है। क्या है कि इन्होंने एक नया कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिस के लिए एक अप्रेंटिस प्रोग्राम रन किया है। उसमें क्या है कि अगर आप ये CCAA अप्रेंटिस करते हैं तो आपको ग्रुप डी के एग्जाम में वेटेज मिलेगा, मतलब आपको प्रेफरेंस मिलेगी, मतलब आपको पहले मौका दिया जाएगा। अगर दो विद्यार्थी हैं, एक ने CCAA कर रखा है और एक ने CCAA नहीं कर रखा है, तो जिसने CCAA कर रखा है उसको पहले मौका दिया जाएगा, दूसरे वाले को बाद में मौका दिया जाएगा। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है कि जो भी CCAA की ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए वेटेज रहेगा। दो तरीके से है, एक मार्क्स के लिए है और एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए है। तो मार्क्स के लिए क्या है कि जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें जो 1/3 मार्क्स होंगे वो आपके इसी, इसमें एक ट्रेनिंग होगी उसके बेस पर रहेगा, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT, ठीक है। तो 1/3 मार्क्स आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट का होगा वो इस बेस पे होगा कि आपको इसमें कितना मार्क्स मिला है, ठीक है, ये आपकी ट्रेनिंग कैसी हुई है। दूसरा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, ये पहले आपके नोटिस में नहीं था, ये नया ऐड किया गया है। आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है ऐड न्यू पैरा, यहां पे लिखा है ऐड न्यू पैरा, पहले ये नोटिस में नहीं था, अभी ये नया ऐड किया गया। और जो लोग भी CCAA की अप्रेंटिस करेंगे उनको क्या है कि वहीं पर फिजिकल की ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। तो रेलवे खुद ही ये अप्रेंटिस का प्रोग्राम रन कर रही है, खुद ही अगर ट्रेनिंग दे रही है तो बाद में जब आप ये कंप्लीट करोगे अप्रेंटिस, तो उसके बाद में आपको जो फिजिकल टेस्ट होता है रेलवे ग्रुप के, ग्रुप डी के लिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है पिट, वो आपको देने की जरूरत नहीं, आप उसको ऑलरेडी क्वालिफाई माने जाओगे अगर आपने CCAA कंप्लीट कर रखा है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे लिखा है द कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिस विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अगर आपने CCAA कर रखा है तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अप्रेंटिस के दौरान ही जो रेलवे की गाइडलाइंस होती है, जो भी रेलवे की गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से वो फिजिकल ट्रेनिंग आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए बाद में आपको फिजिकल की टेस्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में ये दो ही पॉइंट थे और ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पहले ही कॉल करके पूछा है कि सर CCAA को वेटेज मिलेगा क्या, वेटेज मिलेगा क्या। तो ये देखिए फाइनल आपके नोटिस में भी ये चीज को ऐड कर दिया गया है कि अगर आपने CCAA अप्रेंटिस कर रखा है तो आपको ग्रुप डी के एग्जाम में वेटेज मिलेगा, मार्क्स में भी मिलेगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, सभी बच्चों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और इस तरीके का जो भी आगे नोटिफिकेशन आता है वो उसके लिए मैं वीडियो बनाता रहूंगा।